चलिए दोस्तों बात करते हैं 149, 150 और नए फंडे की, नए मसाले की। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन Sin2x, किस पर बेस्ड होना चाहिए? Sin2x। और वो Sin2x कहाँ पर होना चाहिए? वो न्यूमेरेटर में होना चाहिए। और उसमें क्या करना है आपको? टी पुट करना है डिनोमिनेटर को। किसको टी पुट करना है? डिनोमिनेटर को। अब मैं आपको अपना बी फंडा बताने जा रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ? जब, यानी कि वेन Sin2x इज इन डिनोमिनेटर। कहाँ पर हो? डिनोमिनेटर में हो। अब इसमें करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर Sin2x लिखा है तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका आपका ये है कि आप लिखो इसको 1 माइनस Sin2x, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वन से प्लस का वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस का साइन। दूसरा क्या लिख सकते हो? दूसरा लिख सकते हो 1 प्लस Sin2x माइनस 1, यानी कि कुछ ऐसा लिख सकते हो। अब आप क्वेश्चन की तरफ चलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे करेंगे। पहली टाइप ये थी, दूसरी टाइप यानी दूसरा मसाला ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, Sin2x है, ऊपर Sin x + cos x है। Sin2x को दो तरीके से लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। वो क्या तरीके हैं? 1 माइनस Sin2x और दूसरा तरीका है 1 प्लस Sin2x - 1। लेकिन यहाँ पर कौन सा तरीका ठीक रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, समझिएगा बात को। जिस दिन यहाँ पर प्लस होगा क्या होगा? प्लस होगा। जिस दिन यहां पर प्लस होगा क्या होगा? यहां पर प्लस होगा क्या होगा? प्लस होगा। उस दिन ऐसा चाहिए, उस दिन कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए। तो सर इसका मतलब जिस दिन यहां पर माइनस होगा आपको ऐसा चाहिए होगा। करेक्ट, समझिए, प्लस होगा तो माइनस चाहिए, माइनस होगा तो प्लस चाहिए। किसके आगे? साइन के आगे। बस अगर इतनी सी बात आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन को कर दिया। चलिए यहां पर देखते हैं, मैं अप्लाई करता हूं, देखिएगा ऊपर प्लस दिख रहा है, इसका मतलब मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा? माइनस बनाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा Sin x + cos x dx, इस वाले हिस्से में आप कैसे लिखेंगे? 1 माइनस, क्योंकि आपको माइनस बनाना है तो आप ऐसे करके लिखेंगे -1 - sin 2x। करेक्ट, ओपन करेंगे वापस यही आएगा। आगे देखते हैं ये है क्या एक्चुअली। Sin x + cos x dx, इस वन को ऐसे लिख दीजिए माइनस, इस वन को क्या आप Sin2x + cos2x लिख सकते हो? Yes, लिख सकते हैं। माइनस Sin2x को क्या आप 2 Sin x cos x लिख सकते हो? तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? और अगर लिख सकते हैं तो ये क्या है, समझिए इस बात को। अगर हमने सर इसको लिख दिया तो इसका मतलब ये है Sin x + cos x dx √1² - ये जो सारा कंप्लीट है दैट इज Sin x - cos x का होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर। और अब इसको टी पुट करेंगे, देखिएगा Sin x - cos x को टी पुट किया, Sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा? प्लस का Sin x dx = dt। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको यही चाहिए, और अगर क्वेश्चन में आपको यही चाहिए तो यहाँ पर क्या हो गया? dt, और यहाँ क्या हो गया? 1 - t². और अगर आपको याद हो ये किसका फॉर्मूला है, ये Sin inverse t / a का फॉर्मूला है। और अगर ऐसा हो गया तो t की वैल्यू डाल दीजिए, a की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू क्या है? ये जो लिखी हुई है दैट इज Sin x - cos x, a की वैल्यू 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि आप इस क्वेश्चन को भी कर पाए और कितना इजीली कर पाए, तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखिए Sin2x का क्वेश्चन है पहली बात, दूसरी बात यहां पर माइनस है, अगर माइनस है तो क्या चाहिए? प्लस चाहिए, प्लस प्लस बनाना पड़ेगा आपको यहां पर। तो देखते हैं कैसे प्लस बनता है, देखिएगा
cos x minus sin x, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, 7 माइनस 9, आपने इसको लिखा, क्या लिखा, 1 प्लस साइन 2x माइनस 1, करेक्ट, प्लस का बना है इस पर क्योंकि ऊपर माइनस है, cos x माइनस साइन x dx अपॉन ऑफ 7, ये 9 अंदर जाएगा तो माइनस का 9, इस तरीके से लिखिएगा इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 9, 7 प्लस 9, एज ऑफ कोर्स ये बता मुझे 16 बोलेंगे, cos x sin x dx, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और इस 1 को क्या लिखेंगे, वही sin square x plus cos square x, और इसको क्या लिखेंगे, 2 sin x cos x, तो यानी फाइनली क्या हो गया, ये हो गया sin x plus cos x का होल स्क्वायर, और अगर ऐसा हो गया तो आप इसको t पुट करेंगे, यानी कि sin x plus cos x को आपने t पुट किया, डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया, cos का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव दैट इज cos x, और इसका माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt, तो यही तो आपको चाहिए क्वेश्चन में ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका dt, ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और अगर ऐसा हो गया तो आपको याद होगा कुछ ऐसा फॉर्मूला होता था, ln what 4 plus t अपॉन में 4 माइनस t प्लस सी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा, तो कुछ इस तरीके होता है, आप इस तरीके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, क्या t माइनस 4 और t प्लस 4, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, वो कौन सा लगाएंगे वो आप बुक से देख सकते हैं, रेफरेंस से देख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म है या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये क्वेश्चन आप कर पाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 152, ये दोनों ही क्वेश्चन बेस्ड है किस पर, साइन 2x, और साइन 2x कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जो कि लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें ये बातें बताई थी, प्लस बनाना है या माइनस बनाना है, मैं दोनों क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, मैं एक हिंट तक ले जाके छोड़ता हूँ ताकि आप आगे से कर पाए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको साइन 2x दिख रहा है, साथ ही आपको एक बात और दिख रही है कि ऊपर प्लस है, अगर ऊपर प्लस दिख रहा है इसका मतलब नीचे माइनस आपको बनाना है, देखिए माइनस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, दैट इज साइन x, दैट इज cos x, हियर वी गो, दैट इज 16, आप यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x, लिख सकते हैं, यानी क्लियर होगा आपको, माइनस वन वापस घूम के यही आ जाना है। चलिए अगले स्टेप देखिए, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स ओवर हेयर, क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस दैट इज 16 माइनस 16 वन माइनस साइन 2x, करेक्ट, आपको अच्छे से मालूम है ये साइन एक्स है, ये आपका 25 हो जाएगा और उसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 16, इसको आप लिख सकते हैं माइनस है तो आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, और अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स ओवर हेयर 5 का स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, और अब आप क्या कर सकते हैं, इसको टी पुट कर सकते हैं, यानी कि 4 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स एंड डी टी बाई 4, सो द फाइनली दिस इज व्हाट डी टी एंड दिस इज 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्लियर है, तो इससे आगे आप कर पाएंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, जो कि आपको पता है किस फॉर्म में होता है। इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइन 2x है, अब आप प्लस का बनाएंगे माइनस का बनाएंगे आपको नहीं मालूम, क्योंकि ऊपर ऐसी कोई हिंट नहीं है, तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतना आपने डिवाइड किया, ओके ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप मुझे ऐसा करने की भी
इजाजत देते हैं कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, अपने घर से प्लस का साइन एक्स करूं और माइनस का साइन एक्स करूं और यहां पर साइन टू एक्स लिखूं। हाँ सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप मुझे ये भी कहेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, यानी कि एक साइन और एक प्लस का कॉज एक्स यहाँ लिख लीजिए। आप कहेंगे हाँ सर लिख लीजिए, डी एक्स और वन बाई टू, एक साइन बचा और एक कॉज बचा, तो वो क्या बचा, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स। अब आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि ऊपर प्लस बन रहा है इसका मतलब नीचे माइनस बनाना है, यहाँ माइनस बन रहा है तो नीचे प्लस बनाना है। मैं आपको वो भी बना के छोड़ता हूँ, देखिएगा साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स, हेयर इज वॉट वन माइनस, क्योंकि आपको यहाँ पर माइनस बनाना है। माइनस कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स, करेक्ट। यहाँ पर दैट इज वन बाई टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर आपको प्लस बनाना है तो वन प्लस साइन टू एक्स माइनस वन, करेक्ट। एक स्टेप मैं और फॉलो कर देता हूँ, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स, हेयर इज वॉट वन स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और इसको आप क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर भी कुछ आप ऐसे ही लिखेंगे, तो मैं इसको यहाँ इस वाले स्टेप पे लिख देता हूँ। यहाँ देखिएगा वन बाई टू दैट इज कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, हेयर इज वॉट वन की जगह पर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, और इसको आप क्या पुट कर लें, जेड पुट कर लें। दोनों ही क्वेश्चन को अलग अलग करें और सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153, 154, 155। इन टाइप्स को आप देख रहे हैं कि नीचे बड़ी बड़ी पावर है क्वेश्चन में, क्या है, बड़ी बड़ी पावर है। तो मैं आप इनके लिए मैं आपको नोट बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑलवेज आपको वही काम करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको डिनोमिनेटर में, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, वेन एवर यू विल फाइंड यू विल गेट बिग पावर्स इन डिनोमिनेटर, किसमें, डिनोमिनेटर में, देन जस्ट डिवाइड बाय मैक्सिमम पावर ऑफ कॉज, कॉज की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दें और क्वेश्चन हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है क्या, हाँ मैं आपको करके बताता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिएगा ये क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी पावर दिख रही है, आप क्या करें इसको कॉस की पावर 4 से डिवाइड करें, मैक्सिमम पावर इतनी है, यानी कि डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x। जिस दिन कॉस की पावर 4 से डिवाइड होगा यहां 1 बचेगा, यहां 10 की पावर 4 हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, एज ऑफ कॉस सी बात है। चलिए देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 sin x cos x, आपने डिवाइड किया किससे, cos की पावर 4x से, cos की पावर 4x का मतलब cos x एंड cos square x, यहाँ भी डिवाइड किया साथ ही साथ यहाँ भी डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, यानी 1 प्लस 10 की पावर 4x dx, क्लियर है। चलिए इस कॉज से ये कॉज कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर आ गया, और आपका बचा क्या, आपका बचता है दिस अपॉन दिस दैट इज 10x एंड दिस इज sec स्क्वायर x dx अपॉन ऑफ व्हाट, 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर आपको ये बात। चलिए अब इसको करते हैं पुट, मैंने tan स्क्वायर x को टी पुट किया, सबसे पहले ये 2 आ गया, आया क्या हो गया tan x, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x dx और dt, और आप देख रहे हैं ये जो आया है ये यहाँ पर ऑलरेडी है, देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये dt हो गया और ये 1 प्लस t स्क्वायर हो गया, और ये आपको मालूम है क्या होता है सर, ये होता है tan इनवर्स t प्लस सी, और t की जो भी वैल्यू है आप वापस डाल दीजिए, t की वैल्यू क्या है दैट इज tan स्क्वायर x प्लस सी।
तो आपने देखा कि कितना इजीली मैं इस क्वेश्चन को कर पाया। एक और ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वापस क्या करना है, वही कॉस की पावर 4 से डिवाइड। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप कॉमन ले सकते हैं रूट के फॉर्म में, आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं, ईजी दिखाई देता है। चलिए देखिए, ये आपका 10x लिखा हुआ है, करेक्ट। जिस दिन आप यहां से कॉस की पावर 4 कॉमन लेंगे, बाहर कितना आएगा, सिर्फ कॉस की पावर स्क्वायर आएगा। बाहर कितना आएगा, कॉस की पावर स्क्वायर आएगा। तो कॉस की पावर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये 1 हो गया और ये 10 की पावर 4x हो गया। क्लियर है ये बात, ये कितना है 4, करेक्ट। ये ऊपर जाके sec बन जाएगा, तो ये हो गया 10x और ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां की बात करें 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। आपने इसको टी पुट किया और जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में कर पाए हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 10x sec स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या होगा, 2 10x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इस 2 को आप यहां ला सकते हैं और ये चीज क्वेश्चन में है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 डी टी एंड रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है और साथ में ड्राइव भी कराया है मैंने। क्या कराया है, ड्राइव भी कराया है, किस फॉर्म में, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या कराया था, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, कुछ ऐसा फॉर्मूला कराया था। तो अब वापस इसी फॉर्म में इसको डालेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं क्यूब्स में पावर है, किसमें, क्यूब्स में पावर है। आप वही फंडा यूज कीजिए, कॉस क्यूब बाहर ले लीजिए, तो कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर भी है। तो देखिएगा, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपने अंदर से कॉस के क्यूब बाहर लिया, तो कॉस की पावर 6x बाहर आया। अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। क्लियर है ये बात आपको, ओके। अगर ऐसा हो गया तो ये कॉस का स्क्वायर है और कॉस का 6 है, तो यहाँ 2 कैंसिल हुए, 4 बचते हैं। 2 की हेल्प से आप इसको 10 स्क्वायर एक्स बनाएंगे और 2 की हेल्प से आप इसे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखेंगे, करेक्ट। और ये 1 प्लस 10 क्यूब एक्स लिखेंगे इसको। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक, और ये क्या है, होल स्क्वायर है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 10 की क्यूब है, अगर आप इसको टी पुट करते हैं तो आपको मालूम है 3 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। देखिएगा 3 आप कंप्लीट ले लीजिए इसको, 1 प्लस 10 क्यूब एक्स को टी पुट किया, 1 का 0 3 10 स्क्वायर एक्स और 10x का sec स्क्वायर डी एक्स डी टी। इस 3 को आप नीचे ले जा सकते हैं और यही तो आपको क्वेश्चन में चाहिए, और अगर यही चाहिए तो ये क्या हो गया, डी टी 1/3 और यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर, और इसका क्या होता है आपको पता होगा, 1/t होगा माइनस के साथ, और t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, क्या है t की वैल्यू, दैट इज 1 प्लस 10 क्यूब एक्स प्लस सी। तो आपने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स का क्वेश्चन भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर्स दिखाई दें, तो मैक्सिमम पावर ऑफ कॉस से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे और ऐसे और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इसका यूज कर पाएं। थैंक यू।